बागेश्वर में इस बार गाय के गोबर के दिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाजार में इन दीयों की भारी मांग है। ये दिए एक महिला स्वयं सहायता समूह ने बनाए हैं। जिले के विभिन्न बाजारों में स्टॉल लगाकर महिलाएं इनकी बिक्री कर रही हैं। गाय के गोबर से बने दीयों को बनाने में गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा सरस केंद्र, विकास भवन तथा ट्रेड परिसरों में अस्थाई स्टॉल के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जा रही है। समूह से जुड़ी जानकी कठायत बताती हैं कि गाय के गोबर से इसी वर्ष से इन चीजों का निर्माण कर रोजगार की राह खुल गई है। दिए के इनसे बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई है कि अभी हमारे पास अभी दिए है और अगले उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो गाय का गोबर है इससे मतलब और चीजें भी आए, तो इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा ही होगी। एक अन्य महिला प्रेमा कोरंगा बताती हैं कि दिया बनाने में सिर्फ गाय के गोबर का प्रयोग किया जा रहा है। यह सर, जो हम यहाँ पे दिए बनाते हैं, अभी हमारे दिए कुछ भी नहीं, लगभग 250-300 हमारे यहाँ पे दिए बिक गए हैं। अभी भी बहुत लोगों की डिमांड है कि दर्जनों के हिसाब से जो भी ले रहा है इसको, तो दर्जन में ले रहे हैं लोग। तो पहले हम जो इस आपको दिखा रहे हैं, पहले ये गोबर और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मात्रा में गोबर और मिट्टी है, तो हम इसको ऐसा बनाते हैं पहले। फिर हमने यहाँ पे सभी महिलाएं ने, जितने भी SSC समूह की महिलाएं हैं, तो यहाँ पे पेंटिंग हमने कर रखी है, क्योंकि ये पेंटिंग करके तो बहुत अच्छी मात्रा में ये ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। गरुड़ ब्लॉक की मिशन मैनेजर बबीता बिष्ट बताती हैं कि इन स्टॉलों में गोबर से निर्मित दिए, ताम्र दिए, मोमबत्ती, लाल चावल, स्थानीय सब्जियां, अचार, शहद, घी, धनकालीन समेत दर्जनों उत्पाद लोगों को खूब लुभा रहे हैं। अगर हमने दिवाली के अवसर को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो NRLM से जुड़ी हुई समूह की महिलाएं हैं, उन्होंने गोबर और मिट्टी से मिलके दिए, गणपति मूर्तियाँ और बहुत सारे सजावटी सामान बनाए हैं। और इसको बनाने का उद्देश्य हमारा ये भी है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो लोकल में ही इसका रॉ इकट्ठा करती हैं और अपना केवल समय यहाँ पे दे रही है। पैसा इनका कुछ भी नहीं लगता है, बहुत कम लागत में ये बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार कर रही है। और मेरा सबसे यही रहेगा कि आज जो हमारे यहाँ पे 2 दिन का सरस गैलरी महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आके हमारी महिलाओं का मनोबल बढ़ाएं। बागेश्वर के ब्लॉक मिशन मैनेजर हरेंद्र बिष्ट का कहना है कि आजीविका संवर्धन और समूह के माध्यम से निर्मित उत्पादों को विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। जिले में अब तक 149 स्टॉल लगाए जा चुके हैं, इससे 428 समूह सदस्य लाभान्वित हुए हैं। हमारी जो भारत सरकार की जो योजना चल रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके द्वारा जो हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, विशेष करके जो खेती बाड़ी का काम करती थी, आज वो निश्चित रूप से जो लोकल का जो उनका उत्पादन होता है, जैसे दीपावली का त्यौहार हो गया, इस प्रकार के प्रोडक्शन बना करके हम उन लोगों को मार्केट उपलब्ध करवा रहे हैं सरस केंद्र में। और आज कम से कम हमारी कम से कम 5 से लगभग 1000 महिलाएँ ऐसी हैं जो अपना गाँव में लोकल उत्पाद करती हैं और उसको यहाँ मार्केट तक बेचते हैं, हम उसको मार्केट उसको उपलब्ध करवाते हैं।